और जय 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 जगदीश श्री ब्रह्म देव गुरुदेव के जो कि चरण वंशी श्री पुजारी बाबा गुरुदेव के जो कि चरण वंशी श्री नाथ राम गुरुदेव के जो कि पद कमलनो में बोलिए नगरवार श्री मैया की जय। धार में माया के ठोकर मार दे दिखत नहीं दिल के परखना मिलना दुर्लभ हो जब प्रभु मिलते सो तू तो ज्ञान दे मोई पान पन पारो मन तेरो ले
नरसी कैसे पैदा हुआ था, पूर्व जन्म में कौन था, इसके पूर्व जन्म का इतिहास देखो। भक्ति इसी जन्म में नहीं होता है, भक्त तो पिछले जन्म से ही होता है। संत बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, और नीच ऊंच कुल जन्म ले पर रहे संत के संत। वो संत ही रहेगा चाहे काय कुल में जन्म मिल जाए, पिछले जन्म की भक्ति होती है। हमारे पिछले जन्म की हमारे गुरुजी और भी बताते हैं क्या कैसा, ये प्रभु जाने। ये नहीं कि इसी जन्म में थोड़ी पूजा करियो घंटा घलाओ और तुरंत तुम स्वर्ग में राज प्राप्त कर ले, भक्ति है। आज ध्यान करना, पहले ये बनी का राजा सिंह था, सिंह जिसे कहते हैं नरसिंह, और लेकिन उस योनि में भी होते हुए इसकी प्रभु से लगन लगी थी। तो पहले यातायात साधन नहीं थे, पैदल यात्रा ज्यादा थी, चना ले लिए, सतुआ ले लियो बांधे फुटरिया, और रस्सी डोल ले लियो, कहूंगे कुगा बाबरी मिलियो मैं खाए और पाए पियो छुट्टी। पहले इतने कहां साधन थे, न रोड थे न रोड वाले थे वाहन, कुछ भी नहीं था। हुआ ऐसा, एक पथित जा रहा था दाऊ जी की यात्रा करने के लिए, पैदल जा रहा था। जब पैदल यात्रा करने के लिए जा रहा था तो बनी के राजा सिंह ने आकर के और घेर लिया। जब बनी के राजा सिंह ने आकर के जब घेर लिया बनी के राजा सिंह ने आकर के रास्ता घेर लिया, अबे कहां जा रहा है तू, मैं दाऊ जी की यात्रा करने के लिए। दाऊ जी की, हाँ तू घबरा मत, मैं तुझसे हमला नहीं करूंगा, बिल्कुल मत घबराओ। ये बता दाऊ जी महाराज की यात्रा करवे जा रहा है, हम कोई चीज भेजें तो तू दे देगा दाऊ जी को? हाँ मैं दे दूंगा, अच्छी बात है, हाँ अवश्य दूंगा। लो शेर ने अन्य जीवों का भच्चर किया था, माता बहनों का भी किया, तो उनकी जेवरात निकाल निकाल के एक पुटरिया सी बना ली उसने, निकाल करके वो दे दी, लो मेरी दाऊ जी महाराज को भेंट कर देना। उस पथित ने जाकर के दाऊ जी महाराज को अष्ट अंगुल की प्रणाम करते हुए कहा, लो दाऊ जी महाराज बनी के राजा शेर ने ये भेंट भेजी है। बनी के राजा शेर इतनी कह करके भगवत प्रेमियों, आज दाऊजी महाराज ने उस भेंट को लिया, लेकिन उस भेंट के बदले क्या दिया, उसके पैरों में बांधने के लिए झांझर, जो माता बहने नाचती हैं, कहीं पंछुनिया कहते हैं, हैं? कहीं कुछ कहते हैं, तो वो दे दिया, कल्लो शेर को दे देना। पतिथ ने विचार किया, हो सकता है उसने अपने स्वार्थ के कारण हम पे हमला नहीं किया हो, वो रास्ता काट करके दूसरी रास्ता पे जा रहा, लेकिन इनके अंदर वैभव शक्ति होती है, इन्होंने सूंघने से ही इन्हें पता चल जाता कि कहां है। तत्काल दूसरे रास्ते पर पहुंचा, कहने लगा, क्यों बे, हमें यह लग रहा है कि शायद तेरे दिल में बेईमानी आ गई है। चल कोई बात नहीं, तू रास्ता भटक गया, हाँ चल घबरा मत, चिंता मत कर, चलो ये बताओ दाऊ जी महाराज को हमारी भेंट दी थी, उन्होंने ली कि हाँ, कुछ प्रसाद भेजा हमारे लिए, हाँ हाँ क्या ये है, झांझर दी, तो हमारे पैरों में बांधो बस तुम जाओ, इतना ही काम है। शेर के पैरों में बांधी, अब शेर चले तो छम हो, शेर इतना प्रभु के चरणों में लीन हो गया कि नाचते नाचते वो शेर जमीन पर गिर गया और वो समाप्त हो गया, प्रभु का दीवाना हो गया। अब जाकर के जूनागढ़ के माने हुए मूंगा बन नाम के सेठ थे, अच्छे उन सेठ जी थे, उनके बड़े बेटा थे विक्रम और सबसे छोटे बेटा पैदा हुए, तो उनका नाम क्या हुआ, नरसिंह के काल ही उनका नाम नरसी नरसी करने लगे, सब भगवान की भक्त थे।
बताया है जब नरसी नरसी कहने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए, प्राण प्यारी सुशीला से उनका विवाह भी हो गया। यहां तक बात आ गई कि एक बिटिया रामा पैदा हो गई। दौरानी जेठानी कहने लगी, तेरा आदमी काम करता नहीं, घंटा बजाता रहता है, पूजा में लगा रहता है। दौरानी जेठानी की तो कुछ कहानियां अलग अलग होती हैं सब जगह। उन्होंने कहा जितनी टेंशन देती थी दौरानी जेठानी, लेकिन इतनी समझदार थी अपने पति को नहीं बताती थी कि ये तो मुझे ही टेंशन है, अगर उन्हें बताई तो उनका मन और नहीं लगेगा प्रभु के चरणों में, इसीलिए मैं झेलती रहूंगी, उन्हें करने दो भगवान का। देखिए कितनी सुरक्षित थी। तो आज की नेक बात कह दी तो चार मिला के और कह दे बारूद भद्देगी खोपड़ी। हाँ आज देखिए बड़ा विचार करते हैं। कहने का तात्पर्य, एक दिन दौरानी जेठानी ने अपने पति को सेट कर दिया। अब पति ने एक दिन उनका ले ली क्लच, ए नरसी एक बात बताओ, बार बार तुम भगवान का भजन करते रहते हो, घर का काम नहीं करते हो, कैसे गुजारा होगा ये बताओ पहले, कैसे गुजारा होगा बताओ हमें। तो क्या हुआ भगवत प्रेमियों, बार बार जब इतना कहा है समझाने लगे भगवत प्रेमियों किस प्रकार। विक्रम बोले जब नरसी से, तू बैठा बैठा खाता है, और हम तो रोज रोजगार करे, तू देला नहीं कमाता है। हम तो रोज रोजगार करे, तू देला नहीं कमाता है। हम तो रोज रोजगार करे, तू देला नहीं कमाता है। माया में चकना चूर है और तुम भी प्रभु से दूर हो। सुनो मेरी भी सुन लो ना, और पूर्व जन्म के भागों से नर देई प्राणी पाता है, और वायदा करके राम भजन का जीव को खिते आ। भजन का जीव जगत में आता है, ओ पैदा कर के राम भजन का जीव जगत में आता है।
बक्स क्या कहने लगे भैया हीरा लुटाई चपड़े में भैया हीरा कमाई चपड़े में धर्म कमाए ओ भैया नक धर्म कमाए तू भी प्रभु ते नेह लगाए तू भी प्रभु ते नेह लगाए यम की कथा लगे तेरो खपुर जब कहा बताओगे पूछिए जब कहा बताओगे यम की कदा लगल तेरो खप और क्या ओ माधव तलिए कलमाली पत्रकार जी मैंने घर वालों की नहीं मानी 5 साल से वृंदावन में ही आनंद लिया ओ माधव तलिए कलमाली काय के कमाई दई थारी जवानी काय के कमाई दही तारी जवानी और कथा पड़ी है मैंने लिखा और पत्र खाल मेरे प्राण रूपयार के पाया पे दो तुझो कातारी पकरू रे भैया Oh.
नोट मोटा जबराई नोट झोंके अमृत पुआ गुजरे अगला में बहना पियत मरऊया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आ जाइए इस स्थल पर। आज भक्त बड़ा विचार कर रहा है, कहने लगा भैया तुम माया में चकनाचूर हो, प्रभु से दूर हो, लेकिन जिस समय अंत समय पे तुम्हारी विदाई होगी तो माया काम नहीं आएगी, ध्यान कर लेना भैया। जब यमराज की अदालत में जाओगे तो यम की भोगदा लगेगी खोपड़ी में, तो पूरी फट जाएगी, ध्यान कर लो। मैं तो प्रभु का दीवाना हूं, वो दीवाना ही बन के रहूंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो तो कर लो। आहा, विक्रम ने क्या किया? विक्रम ने एकदम कहा कि यदि अपनी ऐठ पर रहोगे तो हो जाओ, एकदम बंटवारा कर दिया। अब नरसी कह रहे भगवान हमें चाहे कछु न मिले, एक लड़की अभी का मांग के ब्याह कर दी, कछु न मिले, पर जी मेरी राधा कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्ति है, बस जी मिल जाए तो मुझे सब कछु मिले। देखिए भगवान से कितना प्यार था, वारे परवाता है। हुआ ऐसा कि विक्रम ने वो ही पहले दे दी, कह ले जा अपने राधा कृष्ण को, राधा कृष्ण को बार बार करता रहता है, चल। और भी जो जेवरा थी वो सभी दे दी जो पाठ में आई थी। अब तो नरसी बस जेवरात को तो अलग डाल ली, तो डाल ली राधा कृष्ण की मूर्ति को छाती से लगाए, हाय राम पत्रकार जी वो तो राधा कृष्ण मिल गए तो सब मिल गए, ये तो भैया हमारे पागल है। बारे परमात्मा बच के तो देखो, दीवाने बन के तो देखो। राधा कृष्ण की मूर्ति लेकर के घर पे आए हो, अपनी प्राण प्यारी सुशीला से कहा सुशीला अब तो बंटवारो तो अच्छा हो गया, लेकिन अब एक बात बताओ, काम भी सब बढ़िया है, ऐसा करो आज तो दौलत है और जब तक ये दौलत ठगनी रही तब तक मुंह पे भगवानों को भजन ना हो। ये शास्त्रों का लेके ज्यादा भगवान के भक्त होंगे उन पे दौलत कम होगी, क्योंकि ज्यादा दौलत होगी तो प्रभु को भूल जाएंगे। अब क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि देख लो, कहने का तात्पर्य है मनसा सेठ सिरसागढ़ के माने हुए थे, उनके बेटा गणपत के लिए बेटी रामा का विवाह कर दिया। जब विवाह कर दिया, आज जितनी दौलत थी उसे दे दी, बाकी जो बची तो सब संतों का निमंत्रण रोज चले धड़ाधड़, जहां 500 संत रोज चुंगे तो क्या हुआ, गांजा चिलम चरस वहां सभी चल रही है, घट रही है दिनों रात। भैया होले होले वो समय आ गया कि अब नमक की कंकरी भी घर में नहीं। अब नरसी बोले सुशीला के हाँ अब अच्छो भजन हो, अब ना आए कछु, न खाबे की चिंता न खाऊगी, भगवान के दीवाने बड़े रो, भूख लगाई पेट में तो भगवान ही देखे हो खाए, अब सही है। तब तक हुआ ऐसा धीरे धीरे 18 साल बीत गई, तो रामा की बिटिया थी नंदी, और नंदी को ब्याह हो नैनागढ़ से कर दी लड़की नैम सिंह के लिए। अब बड़े प्रेम के साथ अब उन्होंने विचार किया, सबके लिए नौता लेके जा रहे हैं, लेकिन रामा की मायके के लिए पियर के लिए नौता ही नहीं लेकर जा रहा। उन्होंने कहा ये क्या बात है, नौता क्यों नहीं लिखा जा रहा है?
रामा को पतो पड़ गई कि हाँ नौता नहीं लिखा जा रहा है सोई रामा पूजी। अरे मेरी सास सुनो काय हमारे बाप पे आज गरीबी है ताबे जाते नौ तो ना लिखो जा। अगर ऐसी गरीबी होती तो हमें जा घर में कहते आ जाती ये? वो तो समय था उस दिन माया अरबों खरबों हीरा मोती तखड़न थे जुगते। आज समय वो बिगड़ गया। मेरे बाप ने कहा भगवान को फकीर रहो है राधा कृष्ण को ताते ने माई कोई कमी ना तो नौ तो ना दे रही नौ तो दे ही दी आवे छे मत आवे। सासू बोली चुप रहे। अचानक आ गया तो मेरे दरवाजा और मेरी चौपार और मेरे गांव में और थुकाएगा मार पेट में सापू बता मेरी मात कहा तूने कियो मेरे बबुला कूता सुन री तने नो तो क्यों नहीं दियो तुझे पता है वो नंगा है पैरवे को कपड़ा भी नहीं है उल्टे सीधे चार महात्मा ने और लेके आवे वो कितनी बुराई होगी। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराज इनके काम हो रहे हैं तेरी कैसे दार गड़ेगी। इसीलिए हमने निमंत्रण नहीं दिया। आहा तो का बोली रामा अरे चाहे सच्चिदानंद भगवान को बड़ा नमन किया है। बड़ी बड़ी प्रार्थना की क्या करना चाहिए। आज बड़े सोच में बैठी तब तक रामा की सास ने जाकर के कह दिया सिर जी से सुनो का है बाकू निमंत्रण दे दो निमंत्रण नहीं तुम्हारी बहू मरी जा रही है कटारी खाएगी बिल्कुल मर जाएगी बचेगी नहीं। बाकी बाप को नौ तो दे दो बाप की बहुत प्यारी है ना
मनसा सेठ कहने लगे, हम तो चलो ये कह रहे कि उसके बाप की ख्वारी नहीं हो, लेकिन हमारी बहू तो पागल हो गई। उसे पता है कि मेरे बाप पे कुछ नहीं हो, फिर भी यहाँ आएगा तो कितनी बेइज्जती होगी, पर चलो कह रही है तो कोई बात नहीं है। लिखिया मुंशी, चलो आज भात लिख दो, बाबू याद आ जाए छठी तक की कि हाँ भात कोई लिखा। तो क्या लिखा है? आय हाय, अरे राम राम। सब मेरा चमथा ले लिख दीने, लिख दो बाद में धनिया है। माधव जी धर्मती कह रहे आखिर में जाति को बनिया को सुनियो कथा
कमड़ी सी लला मर आए क्या मनता है नोटगा पत्र लेकर के एकदम कहा अरे भैया नाई काम बहुत जरूरी है आज भगवत प्रेमियों बड़ा विचार करते हैं इधर भात का परमाना लेकर के नाउ ठाकुर से कही कि भैया ए नाउ ठाकुर सुनो पहले तुम्हारे लिए ये भात का परमाना आ रहा है और आप थोड़ा ध्यान करना विशेष ठीक है। आज नाई को जब निमंत्रण दे करके और परमान दो और जी कही अपनी ठाकुरानी थी कह दियो थोड़े परामटे कर ले जाए। नाउ ठाकुर बोले महाराज एक बात बताओ इतना बड़ो भात लेके जाओ और तुम परामटे की फिर भी कह रहे हो जिका चक करो है। अच्छा ताई से मन तुम्हारे लालच में आएगो कि इतना बड़ो भात हुआ तो दक्षिणों को अच्छी मिलेगी नमा दक्षिणा नमा कछना कुछ नहीं है चलो राम करेगो तो वो हम तो हम ना ले जा रहे परामटे मरे तो जा ही ना रहे दिना दुना चादरा चंद ही ना उठा करो। और चलते चलते आज झूनागढ़ में पहुंच गए और बोले ए भैया एक बात सुनियो ना ये तो कही ना क्या कह रहे हो भैया तो वो आता तो मत ही कह रहे ना अरे इतने आओ जो कह रहा हूं हमें नरसी के घरे जानो नरसी के घरे नरसी हाँ यहाँ आए कोई नरसी फरसी क्यों यहाँ कोई नरसी फरसी ना है भैया मान बताई अरे भैया तुम्हारा नाम का है जगह नाई ठाकुर पूछ रहे हैं लेकिन कोई नरसी का घर नहीं बता रहा है अब तो बड़ी चिंता है आखिर में बैठ गए इतने प्यास में और प्यास से व्याकुल हैं और इतने भूख लग रही है अब बड़ी दुखी है गए तो नरसी बैठे तब तब भगवान ने कही आए हाय मेरे भक्त का कोई घर नहीं बता रहा है इतनी चिंता भैया भैया हाँ हाँ बताओ ना बताओ क्या कह रहे हो मेरे दादा कहाँ से आलो बहु भाई काय काय तेरा चेहरा को कुमिलाई भूगली का तू जो तताई मेरे दादा कहिए जब नाई नेपाली और तेरा तागड़ा ते आलो भैया काउ ने मोजे ही ना बता रो
नरसी को घर का आए, घर का आए में बड़ा दुखी, कहा करना चाहिए बताओ। एकदम भगवत प्रेमी हो जो इतनी कही। बोले भैया तुमको भगवान कन्हैया। बोले भैया तुम बताओ को हो के हम नाऊ ठाकुर हैं। तुम नाऊ ठाकुर हो के? हाँ। तो भैया नाऊ ठाकुर तो हम हुए, भगवान कह रहे हम हुए। तो कोई बात नहीं भैया, हम तुम दोनों भैया बरादरी हैं। कुत्ता रोवे रात को और जात रोवे जात को, चिंता मत करो भैया हम नाऊ ठाकुर हैं। फर कुछ है, तुम माँ बाहर कमात खा तो वो हम जाई बस्ती में कमाते, जाई बस्ती में, समझ रहे हो? ठाकुर जी के दरबार जानी, जाई बस्ती में हम कमात खाते हैं, भगवान जी के। लेकिन ऐसो भैया चले हम बताएंगे। और थोड़े से चले और कहा कही नरती की फूटी माखरिया और ताई पे छाने परी टूटी। कछु संत महात्मा ध्यान उदारे कछु बाबा गौटी रहे। भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई। आज नरसी को घर बता करके कि भैया वो सामने घर हुए और घर बताए के सोई भगवान अंतर ध्यान हो गए। हलो हलो शांति, भगवान एकदम अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब अंतर ध्यान हो जाते हैं उधर भगवत प्रेमियों क्या हुआ है, नरसी ने जाकर के और जो नाई को देखा आ बैठना की और बैठना करके और एकदम सुशीला थे। बोले सुशीला थोड़े ध्यान से सुनो, बहुत बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, ध्यान कर लो। कहने लगा सुशीला हाँ
आज तुम्हें पतो समझ आने से ना ही आएंगे ना ही, अब क्या होना चाहिए, घरे तो कछु है ना। चलो पहले जी देखो कैसे आए। हाँ नाऊ ठाकुर से पूछिए, आप बैठो, जलपान करवाया तब तक नाऊ ठाकुर ने एकदम पत्र पकड़ा दो ले, और जो पत्र खोल के देखो, आए हाय आज पत्र को खोल करके देखने में जो पत्र खोल करके देखा क्या हुआ है। अरे खोल पानी नरसी ने जब पत्र को पढ़ते हुए भगवत प्रेमी पैरों की तरफ से धरती खिसक गई। हाय भगवान क्या करना चाहिए, आज बड़ी दिल में चिंता है, घबराने लगे, अब क्या करें। नरसी कहने लगे, अरे प्राण प्यारी सुशीला तुम्हारी पड़ोसिन थी उससे चली जाओ, उन्हें कहा तो उधार दे दे तो आज दे ही दे, फिर तो जो भगवान करे हो तो करे हो, जो थोड़ी सी तो इनकी संकला करनी है। कहने लगी महाराज बादरा में लेके आई सो मोह गेलू ना ने करन दे, जब बात हो तभी कहते हैं कब दे तो अब बुधवाड़ा कब दे दे। एक मेरी हत्या सहेली बाय जाए के पूछ रही हूं, जागर बागर दौलती बिचारी चली आई का उन्हें कछु न दो। नरसी बोले सुशीला बेमतलब में समय बर्बाद कर में जा रहा हूं, कहू खेत में तो थोड़ो सो बथुआ निकाल लाऊं,
वो बथुआ उगाले के पने की बढ़िया तरह से कछुन हो तो पानी और नक बथुआ ही दद्दे खवाए दे कछु तो होना चाहिए। जो करे हो तो राजा किसने करे हो। हाय दद्दा नरसी गए खेत में से बथुआ लेके आए और बथुआ लेके जब आए आए के बथुआ पनो और पतीली में धर के आँचे बराए दे। कहने का तात्पर्य आज पड़ोस में गए उसे नमक भी उधार नहीं दिया। जब नमक नहीं दिया और सोई एकदम नरसी फूट फूट करके रोने लगे। अब रोए नरसी और क्या कह रहे बारे परमात्मा धन्य राजा के ओ सामलिया तेरे पीछे मिली सब धन धो लुटाई काहे काहे ओ सामलिया तेरे पीछे मिली सब धन धो लुटाई उस मध्या लेती लाई आयो घर में तो नमक तुलाई लेती नाई आओ घर में तो नमक तुलाई बिलक बिलायु कलरती लकी भरी रोई करी करी आज अबरा लगी आंसू दलाए वैसी बैठी रोई तो मेरे भक्त की ख्वारी हो रही है और बहुत बड़ी ख्वारी हो रही है। बहुत जल्दी ऐसा करो 56 प्रकार के भोजन लगा दो थाली में। आहा जो इतनी कई सोई रुक्मिणी ने मां का दिल लगती ओ तनक देर ना भाई रसोई कही आज अब प्यारे 56 प्रकार के भोजन रे अब परते धार लिया
और परताल तंत्र को पाइले और कछु राम नाम न गाइले और कछु तिलक लगन बुझाइले अरे भैया मैं समझ रहा हूँ। देखो बुरी मत मानियो एक बात कह रहे कहो 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 अगर एक सब्जी दो सब्जी बना बते तो तुम कब के जल्दी भोजन करके फ्री रह गए होते। जैसी तुम आए हो कोई पता तो हदने आई गया रे तुम आए हो सोई फटाफट तो हमारी पंडितानी हो सब लग गई है सेठानी तब जे 56 प्रकार के इतनी जल्दी बनाई तो ना उठा तो बहुत जल्दी कर दे दो 56 प्रकार के में तो काम लगता है ना तो जल्दी कर दे। हाँ अब देखो तुम भोजन पाए ले और नरसी को रूप धर लो जो कि पतो न पड़े के ये क्या बनो। चतुर्जी भगवान ने नरसी के रूप में और बैठ करके अब भोजन खिलाया प्यार से खिलाया। 5 बर्तन रहे प्योर सोने के प्योर सोने के 5 बर्तन आए हाय जो दद्दा 5 बर्तन सोने के रहे। अब नाव ठाकुर ने भोजन करके ऐसे माँ जी मुझे कही गले कि क्या ये बर्तन लो सोने के ना। ठाकुर साहब एक बात सुनो तुम हमेशा वैसे ही लोगों में गए होंगे बात को परमानो लेके लेके हम बार के यहाँ नहीं आए हो तुम। हम देखत के गरीब हैं धन के गरीब हैं लेकिन हम मन के गरीब नहीं हैं। हमारी औखा देखोगे तो हम बड़े पैसे वाले हैं हमारी औखा देखोगे तो हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं। पर सुनो ये 5 बर्तन सोने के हैं अष्ट धातु के ये हम तुम्हें देते हैं। ओ भैया जो इतनी कही अब तो ना उठा गो रजी लगी रही कितनी जल्दी जनते फुर्सत मिले तो मैं भज के जाऊं तू अपनी ठकुरानी है दिखाऊंगा देख लो जी मिलो बस सेठ है के देख लो तू तो नंगा कह रो बा नंगा ने तो ऐसो गजब कद्दो का जिंदगी 3 पीढ़ी पहते 3 पीढ़ी पहते टेल बजावत बजावत मरेगे सोने की एक चमचियो ना दियो जान देख ले। आय हाय अब ना चैन पर रो तब तक नरसी भथुआ लेके जो चले भगवान ने कही आएगा सिद्धि में हो तो क्या किया ओ लकी नरसी को रूप कन्हैया बात में नरसी आए हाल जोरी की कई करोई रोई बचन सुनाए अरे परती नहीं अब भोजन थाली ओ बिना नमक को पथुआ लकड़ो नरसी अब भारी करो प्रेमती भोजन हम तो गरीब अति प्यारे भैया करो प्रेम को भोजन हम से गरीब अति प्यारे भैया बहुत देर हो गई हम थोड़ी क्षमा मांगते लो प्रसाद पालो। लाउ ठाकुर कहने लगे अब का हमा पेट फाड़ोगे तुम अब आले ही तो तुमने जिमाओ हाय राम भाई नरसी के रूप में भगवान ने जिमाओ अब आले ही तो जिमा के गए हो अब तो ओम जकार आ रही है।